जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडर उतरा उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने आगे कहा कि हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था, हमने वो किया जो पहले कभी नहीं किया गया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकेंड बार बार घूम रहा है। जब टच डाउन कन्फर्म हुआ तो जिस तरह यहाँ इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियाँ अमर हो जाती हैं, वो पल अमर हो गया। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया। वहीं आपको बता दें कि चांद से भेजा गया वीडियो लैंडर पर लगे इमेजर कैमरा ने बनाया है, ये इसरो ने हमें जानकारी दी। प्रज्ञान रोवर के पिछले पहियों पर इसरो का लोगो और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी लगाया गया है। जैसे ही प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ रहा है रोवर भारत की बुलंदी के निशान छोड़ते चला जा रहा है। इसरो ने रोवर की जो नई तस्वीरें शेयर की हैं इनमें लगे सेंसर और उपकरण भी इस वक्त ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन रखने की है। प्रज्ञान रोवर सीधे इसरो से संपर्क नहीं कर सकता, इसरो लैंडर के जरिए रोवर के संपर्क में है। वहीं लैंडर और रोवर की सेफ पोजीशन भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि चांद की सतह पर लगातार भूकंप आते रहते हैं। अगली बड़ी चुनौती है पावर सप्लाई को मेंटेन रखना। इसके अलावा चंद्रमा से टकराने वाले उल्का पिंड भी मिशन के लिए खतरा बन सकते हैं। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 का ये पूरा मिशन सक्सेसफुल रहे और भारत दुनिया भर में एक बार फिर से इतिहास रच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।